के तिमाही नतीजों की। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल जुड़ गए हैं। कपिल, गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूं कि आपका रेवेन्यू फ्लैट रहा, लेकिन आपका मार्जिन काफी स्ट्रांग है और नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ देखी है आपने क्वार्टर में। ईयर तो थोड़ा सा मतलब सपाटी रहा है, तो क्वार्टर में ऐसा क्या सही रहा जिससे आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी बढ़ी है, और क्या इसको आप मेंटेन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि इस क्वार्टर के अंदर जो एड रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 73% हुई है। तो एड रेवेन्यू हमारा सबसे ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द रेवेन्यू गोज स्ट्रेट टू द बॉटम लाइन। तो और बाकी जो हमारा जैसे इक्विपमेंट सेल का बिजनेस होता है उसमें 10 से 15% का मार्जिन होता है। तो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट मार्जिन है, इसमें हाइएस्ट मार्जिन होता है। तो इसकी वजह से क्योंकि 73% ग्रोथ हुई है, इसलिए हमारा जो पैट है इट हैज ग्रोन बाई मोर देन 33%। तो क्या ये रन रेट आपका जारी रहेगा? इसको मेंटेन करने की बात है तो देखिए एड रेवेन्यू जो हमारा है वो हम एनुअल एड रेवेन्यू की बात करते हैं, किसी भी एक तिमाही से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस साल में अगर देखा जाए तो हमारा Q2 डी ग्रू बाई 28%, 28% की निगेटिव ग्रोथ थी Q2 के अंदर, और Q4 के अंदर 73% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमारा जो Q4 था वो 4% से डी ग्रू हुआ था, इस साल 73% की ग्रोथ है। तो डिफरेंट क्वार्टर्स बड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, परंतु एनुअली आई कैन से कि 20% की ग्रोथ हम इस साल भी दे पाएंगे। डिफरेंट क्वार्टर्स बहुत डिफरेंट होंगे, जैसा कि पिछले साल में भी रहा है। जैसा मैंने कहा कि 28% निगेटिव से लेकर 73% पॉजिटिव तक रहा है इस साल के 4 क्वार्टर्स में। तो स्विंग काफी होता है हमारे बिजनेस के अंदर, डिपेंडिंग ऑन वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स, विच मूवीज आर कमिंग, वेदर दी IPL इज हैपनिंग और वेदर दी वर्ल्ड कप इज हैपनिंग। सो वेरियस चीजों से इसका इफेक्ट होता है, पर एनुअली वी शुड ग्रो बाय 20%। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप कह रहे हैं एनुअल 20% तक की ग्रोथ रहेगी। थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहती है, लेकिन एक एवरेज वो लेकर चल रहे हैं, 20% की ग्रोथ आएगी ये उम्मीद है। 3% ऊपर UFO